दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर रोक लगाने के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल ने जमानत पर रोक लगाए जाने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत में अपनी याचिका लगाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने अदालत से गुहार लगाई है कि वो सोमवार को इस मामले की सुनवाई करें। बताया जा रहा है कि इस याचिका में केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरह से उनकी जमानत पर स्टे लगाया है वो कानून के निर्देशों के विपरीत है और ये बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन भी है। याचिका में ये भी कहा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर स्टे लगाने से याचिकाकर्ता को दुख पहुंचा है, लिहाजा कोर्ट के इस आदेश को एक पल के लिए भी जारी नहीं रखा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत से गुहार लगाई गई है कि वो हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को रद्द करे और अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता को जमानत दी जाए। अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। बीते गुरुवार को इस पूरे प्रकरण में एक दिलचस्प मोड़ आया। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दे दी थी, लेकिन इससे पहले कि केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आते, प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी एक याचिका लगा दी। ईडी की तरफ से कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उन्हें नहीं मिली है और ईडी को जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं मिल सका। करीबन 5 घंटे तक चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने मामले को सुरक्षित रख लिया था और इसके बाद ये साफ हो गया था कि फिलहाल केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। अब जिस तरीके से मामले को लेकर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, अब देखना है सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला देता है। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में ईडी के केस की धज्जियां उड़ा दी गई। द एंटायर केस ऑफ ईडी हैज बीन डिमोलिश्ड बाय दिस ऑर्डर ऑफ ट्रायल कोर्ट और इस ऑर्डर के बाद ईडी का पूरा केस ढह गया है। अब ईडी के मामले में कुछ नहीं बचा। 2 साल से जिस इन्वेस्टिगेशन की नौटंकी केंद्र सरकार कर रही थी वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन का जो किला बनाया था वो ट्रायल कोर्ट के एक बेल ऑर्डर ने ढहा दिया। और ये जो जज साहिबा हैं, मुझे याद आता है इसी तरीके की एक जज साहिबा थी गीतांजलि गोयल जी, 2 साल पहले उन्होंने भी ईडी से सत्येंद्र जैन साहब के मामले में जब कैड़े प्रश्न पूछे तो उस जज को बदलवा दिया गया था। आप सबके सामने है। और कल जब अरविंद केजरीवाल को इन महिला जज ने बेल दी है तो इनके बारे में क्या क्या आज हाईकोर्ट में कहा गया वो शर्मसार करने वाला है कि केंद्र सरकार की एजेंसी एक जज के विषय में ऐसा कह सकती है, ये कभी सुना नहीं गया।